ऐसे ब्लॉग बनाना मेरी मजबूरी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ए गरीब की मदद समझ कर आप मेरे हर ब्लॉग को मुकम्मल देखा करें और लाइक भी कर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में कोई गम ना, और अल्लाह पाक आपकी तमाम लोग परेशानियाँ दूर फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह 4 बजे बेदार हो गया था और फिर उठकर जूँ अज़ान आई, नमाज अदा की फजर की, फिर तिलावत वगैरह करके अब बाहर निकला हूँ। तो बाहर निकला हूँ तो यकीन करें इतनी ज़्यादा धुंध है कि कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, धुंध ही धुंध है। और अभी मैं फ्रंट कैमरे बैक कैमरे से भी आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा धुंध है। तो मज़े नाजरीन, जैसा कि मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि मैं 5 साल से इस चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ, 800 वीडियोस हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हो सका। तो चैनल पर मेरे नए आने वाले बहन भाई भी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से धुंध दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा धुंध है इस वक्त। नाज़रीन, इस वक्त आप धुंध चेक करें कितनी ज़्यादा धुंध है, कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही। ये देखें, बहुत ज़्यादा धुंध है। और भी एक छोटा बच्चा चीज़ लेने आ गया है, ये देखें जी, ये अब दिखा रहा है, ये 10 वाला बिस्किट, और यही से अब बिस्किट दे दिया है 10 वाला, और ये घर अब भाग गया बच्चा। और ये जी मेरा नाश्ता भी है और खाना भी है पूरे दिन के लिए, ये देखें। नाजरीन, मैं वही अपनी शॉप में खड़ा हूँ। आज मैंने कहा थोड़ी सी अंदर से भी शॉप अपने नाजरीन को दिखाते हैं। ये देखें मज़े नाजरीन, इसमें सामान बहुत कम है आपके सामने। ये देखें, ये साइड है और ये इधर साइड है। ये जी गोली टॉफी वाला काउंटर है, ये भी अब खाली खाली पड़ा है, ये देखें। किराना का सामान तो ये देखें बिल्कुल कम है, सारे खाने खाली पड़े हैं। नाजरीन, कल मैं जो केले लाया था उसमें से कुछ केले पड़े थे, तो मैंने कहा इनमें से एक दो अब खा लेते हैं। तो नाजरीन, असर की नमाज अदा करके बाहर आ गया। तो नाजरीन, घर में रहते हुए कैसा व्लॉग बन सकता है? रोज़ाना आदमी वो एक ही चीज़ कैसे बार बार दिखाए? व्लॉग तो इस तरह बनता है कि कहीं ना कहीं ट्रैवल करे बंदा, या फिर कहीं घूमने फिरने जाए, तो वो ना मेरे पास इतने पैसे होते हैं और ना ही मैं कोई चीज़ चला सकता हूँ, मोटरसाइकिल या साइकिल या ऐसी कोई चीज़। ये जी मेरी सेहत है इतनी कमज़ोर, मैं कैसे चला सकता हूँ कोई साइकिल वगैरह, ये देखें मजबूरी है, अब क्या करें। तो फिर मजबूरी है, यही घर की रूटीन भी दिखानी है थोड़ी बहुत, तो शायद इसी वजह से आज तक मेरा चैनल नहीं ग्रो कर सका। तो नाज़रीन, आपके सामने मेरा जो भी व्लॉग है उसे मुकम्मल देख लिया करें। मैं हर नमाज के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ। अब सूरज ग़ुरूब होने वाला है कुछ देर में। तो जी सूरज अब ग़ुरूब हो रहा है, अल्लाह हाफिज़।